हेलो, गुड इवनिंग। मैं विक्की चौहान आपके साथ आपके यूट्यूब चैनल पीएससी अड्डा पर। आज जो है अपन प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। आपको पहले सवाल में बोला गया है कि 30 छात्र की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है, और उसमें जो है एक शिक्षक को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है आपकी, 10 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है ये अपने को निकालना। अब आप देखिए कि संख्या का गुणा अगर अपन औसत से कर देते हैं तो अपने पास जो आता है वो क्या आता है, कुल योग आता है। क्या आता है? कुल योग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि सर संख्या जैसे दो बंदे हैं, उनकी औसत आयु अगर 20 है तो दोनों की टोटल आयु कितनी होगी, 40 होगी। तो इस सवाल में ये बोला गया है कि 30 छात्र की औसत आयु कितनी है, 30 छात्र की औसत आयु आपकी है 9 वर्ष। तो 30 संख्या है, औसत आयु कितनी है, 9 है, तो इनका टोटल योग आयु का कितना हो जाएगा, 270, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि एक शिक्षक और आ जाता है, तो इसमें जो है पहले 30 संख्या थी, एक और आ जाता है, मतलब अब कितना हो जाएगा, 31 हो जाता है। तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 10 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ से टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 310। अब देखो 30 छात्रों की औसत आयु, तो 30 छात्रों की कुल आयु पहले कितनी थी, 270, तो अब भी कितनी होगी, 270। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है किसकी आयु होगी, शिक्षक की आयु होगी। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी यहाँ से, 40 वर्ष, ठीक है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को जो है मिश्रण का भाव कितना हो जाए, 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखो इस टाइप के सवाल को करने का बेसिक फॉर्मेट ये है कि आप एलिगेशन से कीजिए। किससे कीजिए, एलिगेशन से, कि सर दो प्रकार की चाय है, पहले प्रकार और दूसरे प्रकार की। पहले प्रकार की चाय का मूल्य कितना है आपका, 15 रुपये प्रति किलोग्राम, 15 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितना है आपका, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इसके बाद बोला गया है कि इन दोनों का मिश्रण जो है उसका मूल्य कितना है, 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इस सवाल में निकालना है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाना है, तो इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 1.50, और इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 3.50, ठीक है। मतलब पहले प्रकार की जो चाय है वो किस अनुपात में है, इस अनुपात में, और दूसरे प्रकार की क्या है, इस अनुपात में। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 5 से कैंसिल किया तो ये कितना हो गया, यहाँ से 3, और 5 से कैंसिल किया तो ये कितना हो गया, 7। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, यहाँ से 7:3। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि स्ट्रीम धारा की दिशा में दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में और धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्ट्रीम की, मतलब नाव की चाल अपने को बतानी है। देखो इस टाइप के सवाल को करने का एक तरीका है कि आप एक समान की कर लीजिए, या एक तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने आपको सिखाया है, पहले बेसिक देख लेते हैं अपन इस सवाल का, कि कभी भी अगर नाव की चाल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल जो है कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है मान लेते हैं अपन, तो आप ये बता सकते हो क्या सर कि नाव प्लस धारा की चाल कितनी होगी। सर आप बोलोगे कि नाव की चाल तो 10 है और धारा की चाल कितनी है, 4 है, तो दोनों की मिला के कितनी होगी आपकी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव माइनस धारा की चाल कितनी होगी आपकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए अपना, कि कभी भी किस सवाल में, जैसे ए और बी दो ट्रेन है, ठीक है, उनकी चाल का अनुपात अगर 4:5 है तो उनका समय का जो रेशो होगा वो उल्टा होगा। अगर चाल का रेशो आपका 4:5 है तो समय का रेशो कितना होगा आपका, 5:4 होगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखते हैं अपन, इस सवाल को करने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि धारा की दिशा में, मतलब n+d, ठीक है, और धारा के विपरीत, मतलब n-d, क्लियर है। तो धारा की दिशा में जो है एक दो बंदरगाहों की दूरी को 4 घंटे में तय कर रहा है, और धारा के विपरीत जो है 5 घंटे में तय कर रहा है। तो यहाँ से अगर दोनों के समय का रेशो देखा जाए तो कितना होगा सर, 4:5 होगा, मतलब धारा की दिशा में वो 4 घंटे में कोई दूरी तय कर रहा है और धारा के विपरीत
5 घंटे में तय कर रहा है। अब मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी चाल अगर का समय का रेशो अगर 4:5 है तो चाल का कितना होगा, 5:4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप ऊपर वापस से कि सर एन प्लस डी की चाल आ गई 5, वो एन माइनस डी की चाल कितनी हो गई 4, तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया है आपको कि दोनों को जोड़ो कितना हो गया 9, 9 का आधा कितना हुआ 4.5, और दोनों को घटाओ कितना हुआ 1, 1 का आधा कितना हो गया 0.5। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 9 की चाल होगी आपकी 4.5 और धारा की चाल कितनी होगी 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा आपका, तो दोनों का रेशो अगर निकाले तो कितना हो जाएगा 9:1 हो जाएगा। अब सवाल में बोला गया कि धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 है, अपने अकॉर्डिंग कितना है 1 है। निकालना नाव की चाल तो काय का गुणा करेंगे अपन, क्योंकि नाव की चाल 9 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल में बोला गया है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 4:5 में, ठीक है, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना कम है, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि दो वृत्त है, ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। अब मैंने आपको सिखाया कि त्रिज्या जो आती है वो कौन से डायग्राम में आती है, 1D के अंदर आती है, और अपने को पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो आता है वो किसके अंदर आता है, 2D के अंदर आता है। तो 2D जो है वो 1D का क्या होता है, वर्ग अनुपाती, मतलब अगर ये अगर त्रिज्या अगर 4 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 16, और त्रिज्या अगर यहाँ पे 5 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 25। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पहले व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा 16 और दूसरे व्रत का कितना होगा 25। अब सवाल में बोला गया है अपनों से कि पहले व्रत का क्षेत्रफल दूसरे व्रत से कितना कम है, तो कितना कम है ये, इससे 9 कम है सर, किसकी तुलना में, दूसरे व्रत की तुलना में, तो 25 की तुलना में, तो परसेंट में कितना कम है, तो 100 का गुणा कर देंगे अपन, तो ये इससे कितनी बार गया 4 बार, 4 का गुणा 9 से किया तो कितना परसेंट कम है ये 36% क्या है कम। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि एक्स माइनस वाई का मतलब गुणा 50% अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है, बराबर एक्स प्लस वाई का मतलब गुणा, ठीक है, 30% अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से अगर अपन काम करें कि x माइनस वाई ऐसा कैसा, इसके नीचे ले आते हैं अपन x प्लस वाई को, क्लियर है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो इधर कौन बचा 3 और इधर कौन बचा 5, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3 और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपका 5। अब मैंने सिखाया है आपको कि कभी भी ये वाला पार्ट अगर बन जाता है तो इसमें अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ो कितना हुआ 8, 8 का आधा कितना हुआ आपका 4, और कभी भी y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को घटाओ कितना हुआ 2, 2 का आधा कितना हुआ 1, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 4 और y की कितनी है 1 है। अब सवाल में आपसे ये बोला गया है कि x जो है x कितना है, x का कितना प्रतिशत y है, तो y कितना है 1 है और x कितना है 4 है, तो y जो है वो x का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए काय का गुणा करेंगे 100 का, तो यहाँ से राइट आंसर कितना आएगा आपका 25%, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि दो पाइप है ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये अपने को निकालना है। अब देखिए इधर दो पाइप जो है ए और बी है, पहला पाइप जो है टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला जो है 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 30, तो इसकी पहले वाले पाइप की स्पीड कितनी हो गई, प्रति घंटे 3 लीटर पानी भरता है, दूसरा पाइप जो है 2 लीटर। अब सवाल में बोला गया है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल कितना भरना है अपने को 30, दोनों नल की स्पीड कितनी होगी आपकी 5, तो टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो कितने घंटे लगेगा 6 घंटे, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो भी उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। अगर अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे करना है कि सर एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य,
और एक होता है आपका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। अब सवाल में बोला गया है कि अंकित मूल्य पर, हाँ इधर देख लेते हैं अपन इस सवाल को, कि सर अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 10% का अगर फ्रैक्शन बनाए तो कितना बनेगा, 1/10। 1/10 का मतलब ये है कि अंकित मूल्य आपका 10 है तो 10 पे 1 की छूट, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 होगा। इसके बाद सवाल में बोला गया है कि 20% का क्या होता है, लाभ होता है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन बनाया जाए तो कितना बनेगा आपका, 1/5। 1/5 का मतलब ये है कि उसको 20% का लाभ होता है, मतलब 5 अगर उसका क्रय मूल्य है तो 6 रुपये क्या होगा, 5 पे 1 का लाभ, मतलब 6 विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पे जगह खाली है पड़ोसी को ने 9, यहाँ पे जगह खाली है पड़ोसी को ने, तो यहाँ से ये क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 45, विक्रय मूल्य कितना हो गया ऐसे 54, और अंकित मूल्य कितना हो गया ऐसे 60। अब इस सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं अपन। सर अंकित मूल्य क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 500 रुपये, अपना कितना आ रहा है अंकित मूल्य 60 रुपये। पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना है 45 से 15 से काटा कितना हो गया, ये 4, 15 से काटा कितना हो गया 3। अब इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से 4 एकम 4 बचा कितना 1, हो गया 10, 4 दूना 8 बचा कितना 2, हो गया कितना 5, और 125 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो 3 5 15 हासिल आगे 1, 36 ने कितना हो जाएगा आपका 37। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है 375, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है कि 126 रुपये को 1:3 और 1:4 के अनुपात में दो भागों में बांटे जाते बांटा जाता है, तो दोनों भाग क्या है ये अपने को निकालना है। अब देखो 126 रुपये को जो है दो भागों में बांटना है अपने को, एक तो बांटना है 1/3 भाग में और एक बांटना है अपने को 1/4 भाग में। अब इस टाइप का सवाल कभी भी आए तो एक काम कीजिए कि पहले इस फ्रैक्शन को जो है वैल्यू में चेंज कर लीजिए। तो एक काम कर दीजिए कि 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 12, तो 12 का गुणा यहाँ पे भी कर दीजिए और 12 का गुणा यहाँ पे भी कर दीजिए, तो ये कितना हो गया ऐसे 4 और ये कितना हो गया ऐसे 3। क्लियर है, मतलब पहला जो भाग है वो कितना है 4 और दूसरा कितना है 3 है। अब 126 रुपये जो डिवाइड होंगे वो दोनों में होंगे, तो दोनों का वेरिएबल कितना है यहाँ से 7, तो 7 से इसको काटा तो कितना हो गया 7 एकम 7 बचा कितना 5, 7 कितना हो गया 56, 7 8 कितना हो गया 56, तो 18 निकला। 18 का गुणा अगर 4 में किया तो ये कितना हो गया 18 4 72, और 18 का गुणा अगर 3 में किया तो कितना हो गया 18 3 54, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है 72 रुपये और 54 रुपये, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि 10,000 रुपये का की एक राशि का कुछ भाग 8% की दर से और शेष भाग को 10% के वार्षिक दर पर उधार दिया गया है, यदि औसत दर कितनी है उसकी 9.2% है, तो दोनों भाग क्या है ये अपने को निकालना है। अब देखो इस टाइप के सवाल को जल्दी करने का तरीका ये है कि मेथड ऑफ एलिगेशन लगाइए आप, कि सर 10,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, पहला जो भाग है वो किस दर से दिया गया है उसने, उसने जो है पहला भाग जो है 8% की दर से दिया और दूसरा भाग जो है 10% की भाग से दिया, और बोला गया है कि दोनों से मिलाकर जो ब्याज प्राप्त हुआ वो किस दर से हुआ 9.2% लाभ से हुआ। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0.8, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1.12, तो यहाँ से अगर रेशो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2:3, क्योंकि 4 से गया ये कितना हो गया 2, 4 से कितना हो गया 3। अब 10,000 जो डिवाइड होंगे वो दोनों में डिवाइड होंगे, तो 10,000 जो डिवाइड होंगे वो दोनों में डिवाइड होंगे, तो दोनों में डिवाइड होंगे मतलब दोनों का अनुपात कितना है 5। अब सवाल में बोला गया है कि दोनों भाग निकालने हैं, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, मतलब एक एक रुपए की एक पॉइंट की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, कि सर इसको इससे कैंसिल किया तो 2,000 रुपये आया। अगर 2,000 रुपये का गुणा 2 में कर देंगे तो 8% की दर से कितना रुपये उधार दिया गया उसने 4,000, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ से 6,000, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 1। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस जो है 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे जो दूरी निकालनी है वो मीटर में निकालनी है अपने को। सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, ठीक है। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल उसकी है, और 5 घंटे में कितनी दूरी 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये अपने को निकालना है। तो मीटर में वैल्यू चाहिए, तो एक काम कीजिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा कर दीजिए वो 5 सेकंड में ऐसे, ठीक है। 72 से कितनी बार गया आपका 4 बार, 4 का गुणा 5 से कितना हो गया 20, और 20 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो दोनों
वो 5 सेकेंड में जो है कितनी मीटर दूरी तय करेगा, 100 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल में बोला गया है कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो 32 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये अपने को निकालना है। तो 22 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 32 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है अपने को। तो 16 से 32 कितनी बार गया, 2 बार, और 2 से 22 कितनी बार गया आपका, 11 बार। तो आपका जो है फाइनल आंसर कितना आएगा यहाँ से, 11 दिन। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ कि सर 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में करते हैं, 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो 32 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, 16 दुना कितना हो गया आपका, 32, और ये 2 से कितनी बार गया, 11 दिन में। तो 32 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, 11 दिन में। तो आपका ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि एक रेलगाड़ी स्थान ए से सुबह 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर शाम को 4:30 बजे पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये अपने को निकालना है। अब देखो इधर, ये 2 स्थान है आपके ए और बी। ठीक है, एक रेलगाड़ी जो है स्थान ए से बी की ओर जाती है सुबह 6 बजे, वो स्थान बी पे जो है कितने बजे पहुंच जाती है, शाम को 4:30 बजे। तो यहाँ से अगर सबन नोटिस करे तो यहाँ से जो समय लिया उसने कितने घंटे लिया, 10.5 घंटे में मतलब ए से बी तक पहुंच गया। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, 4 गुना समय। अब उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो जो है कितने समय में तय, कितना समय चल रहा है चाल को, 10 सही 1/2, मतलब कितना हो गया, 21/2 घंटे तक वो सफर तय करेगा। तो 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर चल रहा है तो 21/2 घंटे में कितने चलेगा, तो ये निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, 0, 2, कितना हो गया, 420। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 420 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ए। ठीक है, तो ये बच्चों आज जो है अपनों ने 11 सवाल डिस्कस किए। अब इन सवालों में मैंने अधिकतम जो नए पैटर्न पर आधारित जो सवाल बन रहे हैं उन पर बात की थी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, शेयर करें, और आपकी जो एग्ज़ाम आ रही है उस पर भी ध्यान दीजिए, आपकी रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, CHS। ठीक है, तो इन सभी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।